शादी करे घर मैं कि जाऊंगी। सत श्री अकाल पंजाब टुडे देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जतिन मरवाहा स्वागत करता। एक स्लोगन तो तुसी जरूर सुना होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार आम जनता की सरकार। ये स्लोगन जरा आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आने तो पहले जरा सारे देश विदेश गाया जाता सीगा, पर हुण जरा माहौल है इस टाइम आप खड़े हाँ लतीफपुरा कैमरा पर्सन कहूँगा दिखा जी तस्वीर हैं लतीफपुरा कुछ तस्वीर कुछ होर ही बयान कर रही ने आम आदमी पार्टी की सरकार आम लोग जड़े घरों बेगार। जी हाँ बिल्कुल, कल जी इंपरूवमेंट ट्रस्ट वालों जी है लतीफपुरा दे जी बहुत वड्डी कार्रवाई की गई सी। 16 मकान सुनन दे विच आया जी, 16 मकान जिहड़े कोटेशन दे विच सीगे जिस दे विच 25 तो 30 दे लगभग जिहड़े मकान ने तोड़े गए ने जी। बिल्कुल तुहानूं तस्वीरां दिखा दईए लतीफपुरा दीआं, लतीफपुरा दे विच जिहड़े आम जनता जी आम सरकार जी पार्टी है वह कहिंदी सी आम आदमी पार्टी की सरकार जी आम जनता की सरकार होएगी, पर आम जनता नूं ही उन्होंने घरों तो बेघर कर दिता गया जी। बिल्कुल तुहानूं तस्वीरां दिखा दईए आम जनता जिहड़ी है अपने घरों जिहड़े बेघर हो के बाहर सड़कां ते रहण ते मजबूर हो गईआं ने। छोटे छोटे बच्चों नूं लै के जिहड़ा की है आम जनता अपने परिवार जिहड़े 16-25-30 लगभग जिहड़े परिवार है सड़क ते रहण ते मजबूर हो गए ने जी। बिल्कुल तस्वीरां तुहानूं दिखा दईए कि जिहड़े घरां दे विच जिहड़ा समान है वह सारा ही जिहड़ा घर तों बाहर कल दा जिहड़ा बिखरिया होइआ। गलबात करन दी कोशिश करांगे परिवार किन्ने समय तो भाजी जो पाकिस्तान की वंड हुई ठीक है पाकिस्तान तो उजड़ गए इत्थे आण के बैठ गए ठीक है उस टाइम ते बैठे आ जद की कोई गवर्नमेंट नहीं होंदी सी ठीक है ये कहें जी इंप्रूवमेंट टैस्ट आ 1959 या 58 च बनी है ठीक है उन्होंने की किया उस टाइम पुराने बैठे हुए आ जबकि इन्हों कोई मुआवजा नहीं कोई इन्होंने चैक कर लो कि इन्होंने कोई जगह अक्वायर की हुए ठीक है ना कोई कुछ नहीं किया पुराने बैठे हुए ने क्योंकि इन्होंने व्डे वडेरे इतने आ के बैठे थे ठीक है आ जोड़े आ बापू है जोड़े 75 साल की उम्र इन्हों हो गई है जो बैठे आ 75 साल के बैठे हुए हैं ठीक है जो ये बैठे ने आ के तो आप ही भाजी हिसाब ला लो भी इन्ने सालों के ठीक है कि एक सिर्फ जरा अपने ना के अंदरों अंदर ही जो मर्जी इंतकाल चढ़ा लिया जे इन्ने ही सच्चे सी भाजी 16 बंदियां दे घर ढाउण लई कहा गया कोर्ट ने बाकी 80 घर क्यों तोड़े गए ठीक है एक चलो ये गल कर लें दूजी गल एक और सूर्या कांत का ऑर्डर इन्हां महल्लों के हक च आया सी कि हाई कोर्ट तो कि डिमोलिश ना किया जाए कि इन्हां दी निशानदेही की जाए निशानदेही इंप्रूवमेंट टैस्ट नहीं कर सकती हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ कि कानको पटवारी कर सकता वो मीडिया को छड़ के कल्ले कल्ले बच्चे भी पता कि कानको पटवारी मिनती कर सकता होर कोई महकमा नहीं कर सकता ठीक है पर इन्होंने तद भी धक्का किया क्योंकि भाजी जे मीडिया राही देखते पे ना तो मेरे जोड़े प्रॉपर्टी का काम करते हो मेरे भैन भरा भी सारे देखते हो गए उन्होंने भी पता कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता मैनू इन्नी नॉलेज आ कि जोड़ा घर भाजी वो तोड़िया जा रहा मेरा वो न्याय तोड़िया जा रहा जबकि वो उस जगह अक्वायर ही नहीं किया 10 कनाल 17 मरले जी इन्हें गवर्नमेंट को जगह ही नहीं गई ठीक है तो दूजा जरा इन्होंने अपने ना तो हेराफेरी करके इंतकाल चढ़ाया ठीक है जब ये इन्ने चिर के बैठे आ इन्होंने किड़े बंदे नूं इन्होंने पैसे दिते एक बंदे का प्रूफ दो कि 1948 आगे बैठे किड़े बंदे ने पैसे चके आ भाजी हर किन्ने पिंड इदा बैठे ने भाजी ये सिर्फ जगह महंगी होण करके माल्टोन दे नाल लग के इन्होंने धक्का किया बाकी भाजी इन्ना शहर जिहड़ा वसदा आ ठीक है किन्ना शहर कब्जे दे तुहानूं भी पता चलो मैनूं कलोनिया दे नाल ही पता कई कलोनिया दे कब्जे ने ठीक है भाजी अगर झुग्गियां झोंपड़ियां वाले थोड़ा सी भाजी पक्के घर बना गए तो झुग्गी झोंपड़ियां वाले दे घर होंदे पक्के बना के दिते जांदे पए आ ये पक्के घर तोड़ रहे ने कोई नोटिस वगैरह दित्ता सी कि डिजिटल चल रही मशीन
कोई नोटिस नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, अखबार च कहते दिता आ, ठीक है। सानू की पता अखबार आई या नहीं आई, क्योंकि अखबार कई जने नहीं पढ़ते, ठीक है। ये शरे शरे आम कई जने पढ़े लिखे आ, कई नहीं, बेचो ज्यादातर ऑलमोस्ट अनपढ़ ही ने, घट्टो घट 80% अनपढ़ ही ने इतने, क्योंकि पिंडा जो उजड़ गए उस अपने पाकिस्तान तो उजड़ गए, इतने बैठे ने, ठीक है। अज के नहीं बैठे हुए, सारी दुनिया को पता आ, उदो तो मॉडल टाउन भी नहीं है जो दे बैठे हुए ने। मुझे पंजाब सरकार का एक नारा सी सत्ता तो आने वाले, पंजाब आम आदमी पार्टी सरकार, आम जनता सरकार, पर आम जनता को भी बेकार करता उन्होंने। और भाजी ये सरकार थोड़ा जहा, यह तो भाजी एक धक्केशाही सरकार बनी है कि देखो एक भगवंत मान साहब का यह कि छोटे घरों को कुछ नहीं कहा जाऊगा, तो भाजी तुहानू भी पता, सारी दुनिया को भी पता, ठीक है। इतने तक उन्होंने जोड़े अपने मंत्री है धारीवाल साहब मंत्री, उन्होंने भी बयान आते हैं कि आप छोटे घर कुछ, पर इन्हों का साडा की कसूर सी जरा किया गया, ठीक है ना भाजी। जब एक होर गल आप कहने चलो जो तुम करना ही साड़ी कानगो परिवारी को मिनती तो कराओ, तू भी पता लगे तुम झूठे है या नहीं। भाजी ये कोई इंप्रूवमेंट टेस्ट की जगह नहीं हैगी, ये सिर्फ एक माफिया राई साड़ी जगह महंगी होने करके साड़ी जगह हड़प्पी गई, क्योंकि गौरमेंट आम बंदे का जोर तुम्हें पता भाजी नहीं चलता, गौरमेंट जो मर्जी कर सकती है। आम आदमी पार्टी सरकार कहती आम आदमी पार्टी सरकार, आम जनता सरकार है भाजी। जो देखो आम बंदे की सरकार होंगी तो भाजी देखो फिर इदा ना हों, भाजी आम बंदे की सरकार पता की होंगी है। भगवंत मान साहब जो सीएम बने से ना, वो कहते सारे तुम सीएम हो, तो भाजी जे सीएम सारे ने तो भाजी आ फिर अखा जथरू क्यों आते भाजी, ठीक है ना। जे अज इन्हे घर क्यों टुटते जे सारे सीएम सी, यही गल नारा 16 मकान यही कहना 100 चक्कांगा तो सारे सीएम ने, तो भाजी आप कितने फिर जे कहते सीएम साहब ने, तो भाजी फिर आप साडा भी राइट आ मकान भाई जी जो कोटेशन के बच्चे बाकी जो मकान तो उस धक्का किया गया शरे आम भाजी। तुम देखे ही है कि आड़े सामने आ भाजी, आ देखो ताे वर्गा कोई भरा ही दे गया ऑर्डर, मैं थोड़ा भाजी लै गया ऐसा कोई आ लो भाजी ऑर्डर देख लो। सो इन्हों को ऑर्डर भी नहीं, जे कोटेशन 16 मकान जो तोड़न की जो दी गई परमिशन दी गई सर, बाकी जो लगभग 80 करीब मकान तोड़े गए, होर भी परिवार ने मैम किन्ने समय तो उत्थे रह रहे हो, किस तरह देख रहे हो सरकार की धक्काशाही है या किसी धक्काशाही? बहुत ज़्यादा धक्केशाही होने डी, मेरे ब्याह 20-25 साल हो गए, मेरे बुजुर्ग भी इतने रहते 70 साल हो गए भी पाकिस्तान तो उजड़ के इतने आए हैं, ठीक है। यह सरकार साढ़े ना धक्काशाही कर रही है, साढ़े हर एक प्रूफ साढ़ा इतने बनया वा, बच्चों के बर्थडे सर्टिफिकेट सारा हर एक प्रूफ है, बिल है बत्ती है, फिर भी इन्हें साढ़े ना धक्काशाही की है। गलत है सरकार, सानू सरकार उम्मीद है ही नहीं सी आम आदमी तो। आम आदमी पार्टी के हलका कैंड इंचार्ज सोढ़ी साहब इतने पहुंचे, उन्होंने कुछ वास्ते दिता कोई ताले लिए स्टैंड लिता उन्होंने? हाँ जी वो तो आए थे पर कुछ नहीं, तुम पता ही होना कोई आप मदद नहीं आ रहे, मदद ही खड़े हैं, पर उन्होंने कोई स्टैंड लिता? स्टैंड तो लिता ही पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने सुनी नहीं, किसी ने सुनी नहीं किसी की, सीधा ही आके बस मशीन लैके तोड़न आ गए। छोटे छोटे बच्चे लैके परिवार अपने घर बैठते हैं, सारी रात सड़क से कट्टी है ठंड च निके न्याणे लैके, रात ही सारी रात ही सड़क से बैठे रहे, देख ही सकते समान किदा बिखरिया पाया है, हुण अहीं सड़क बहना इत्थे ही आ, सानूं इत्थे ही इंसाफ इत्थे ही जगह चाहीदी आ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੁਝ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਈਏ, ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਏ, ਅਸ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ, ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਛੜਾ ਉਜਾੜ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਵਸਾਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ,
आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आम जनता की सरकार है, लेकिन तस्वीर कुछ होर ही बयान कर रही ने। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम जनता को घर तो बेघर कर दिता है। तस्वीर तुम फिर दिखा दी है लतीफपुरा दी, जिथे कि कल सवेर तो ही जरा कि इतने कार्रवाई की जा रही है। जो परिवार ने उन्हों का कहना कि कोटेशन जी जारी हुई सी 16 मकान जोड़े तोड़न की परमिशन सी, उस तो बाद जो लगभग 80 के करीब जो मकान इतने तोड़े गए ने। सो एक रात का ही समा हों जरा कि अपने परिवार के नाल बैठ के लोग अपने परिवार एक छत के थले बैठ के जो रोटी खाते हैं, पर इस माहौल जो तस्वीर बयान कर रही ने एक परिवार नीले आसमान के थले अपने परिवार छत की छड़ के नीले आसमान के थले सड़क से बैठ के रोटी खाने मजबूर हो गया। इन्हों का कहना कि आम आदमी पार्टी सरकार होवे, कोई भी नुमाइंदा होवे, बड़े नुमाइंदे इतने पहुंचे ने, पर उन्होंने इन्हों का कोई स्टैंड नहीं लिया। पर आम आदमी पार्टी सरकार तो अपील करते हैं कि साडे नाल जिहड़ा इंसाफ किया जाए। सो तस्वीर तुहानूं फिर दिखा दी एक बार लतीफपुरे दी, जिथे कि कल जिहड़ा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों वड्डी कार्रवाई की गई सी, जिथे कि 80 के करीब लगभग जो 80 मकान करीब मकान तोड़े गए सी। साडे नाल कुछ सदस्य ने, इत्थे परिवारक मैंबर ने, जिन्हों का कहना कि साडी रजिस्ट्री भी हैगी है, सब कुछ हैगा, पर फिर भी साडा मकान जिहड़ा तोड़िया जा रहा है। भाजी की हैगा मैटर सारा, तुसीं कह रहे तुहाडी रजिस्ट्री वगैरह हैगी है, तुसीं गलबात कीती उहनां नाल कोई? ਭਾਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਾਂਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੰਧ ਢਾਤੀ, ਬੋਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਨ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਏ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਪੇਂਟ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਮੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ? 20 ਮਰਲੇ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਜੀ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ, ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਆ, ਛੋਟਾ 33 ਸਾਲ ਦਾ, ਵੱਡਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ 11-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਪਰੂਵ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਮਰੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਭਾਜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਰਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਮਕੀ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ? ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਥਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ, ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਗਾਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਅ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ
आम आदमी की सरकार नहीं है, पैसे वाले की सरकार आ। जेडे बंदे कह लो कि बदमाश है जां कुछ है, गुंडियां की सरकार है, उन्होंने पाली जा रही है। जेडे बंदे सही है, मेहनत करके अपने घर पा रहे हैं, सारा कुछ रह रहे हैं, उन्होंने तुम चक के रोड पर पटीशन सामने आई है। वो 18 मरले 16 मरले है मकान ने, 16 करीब, पर 80 के लगभग मकान तोड़े गए हैं। सारा कुछ किया महीने बाद देखो इतों का नक्शा, क्यों जे रोड कटना होंगे तो अद्धा थां भी नहीं होंगे भाई। ये भी घर वाले आ, बाल बच्चे वाले, इन्हों भी पता कि घर बना कि औखा होंगे। चाहे कब्जा कह रहे हैं अज तो 70 साल हो गए आ, ठीक है जी, पुरानी गल छो, 20 साल पहला भी इतने जो घर पे आ, हम नवे लोगों ने इन्ना पैसा लाया, तुम उदों आके रुको। टोटल लॉस हो चुका है या हले भी पेंडिंग हो? भाजी ए वाला कह रहे थे ना दो रूम, क्योंकि इतों अगे वो कोठी आँदी है, उन्होंने नहीं ढा रहे, तो साढ़ा पिछे तक क्यों कर रहे हैं? यही गल है, तुम जो भी कहने कि हाँ भी जगह बराबर होना चाहिए ना। सो हम साडे कमरे जो पिछे आ उन्होंने भी ढा रहे हैं, तो जी नाल की कोठी आ वो साढ़े घर तो भी मतलब काफ़ी इधर आ, उसनों तुम कुछ नहीं कह रहे। कहना जनों सरकार ने एक पास इंप्रूवमेंट से जगह है, वो तो चलो मानव हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो आया गया। दूसरे पास जिन्हों को रजिस्ट्री भी है उन्होंने मकान ढाया जा रहा, कहना चाहते भाजी? ये सरकार को तो पहला देखना चाहिए सगा, हूँ टट गए, सारा कुछ हो गया। यही कहना चाहवागे जे बिल्कुल जे सही है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ, हजे भी आके इतने लोगों का आके सुन, प्रॉब्लम सुन की आ, लोग रोड से बैठे रात, इतने लाइट नहीं सी, कुछ नहीं, उदे हैं भुखे, इन्ने ठंड च 6-6 महीने बच्चे उत्थे सुते उत्थे बैठे रहे आ, रात दे किसी ने आके बात नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे सुरिंदर सिंह सोढ़ी जी उत्थे पहुंचे थे, क्यों लतीफपुर लई स्टैंड लै नहीं सकते सी? भाजी आए आ बाद च, कल कोई नहीं आया, जदों इन्होंने ये काम किया उस टाइम कोई नहीं पहुंचा। सानू हौसला देंदे रहे महल्ले वालियां नू कि तुसी टेंशन ना लो, इदां धक्का नहीं होण देवांगे, कुछ नहीं कर देंगे। महल्ले वाले कितें कुछ कर जा नहीं सके कि नहीं होएगा साढ़े ना, इन्हां ने एकदम आके सारा कुछ बंद करता, ना महल्ले च आउण दित्ता ना जाण दित्ता। कल 4:30 बजे मॉर्निंग तो ही इन्हां ने बंद करता सीगा सारा, उस तो बाद इदां किया। सो तस्वीर तुम देख सकते हो, आप जो इतने मकान से एक रजिस्ट्री उन्होंने को प्रोपर हैगी है, उन्होंने कहना कि मैं साढ़े घर के जो उत्तर मानव कोर्ट में रजिस्ट्री भी दिखाने गए हैं। कल जरा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वाले उन्होंने अपनी रजिस्ट्री भी दिखाई है, पर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वाले ने जरा कि है रजिस्ट्री देखने मना साफ इनकार कर दिता। तो नाल उन्होंने कहना कि जो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जो मैंबर ने रजिस्ट्री दिखाने तो बाद रजिस्ट्री ना मनते उन्होंने धमकियां भी दी गई, उन्होंने को सारे रिकॉर्डिंग सबूत भी ने, फेस टू फेस धमकियां भी दी गई, तो उन्होंने इंसाफ मंगते आम आदमी पार्टी सरकार तो, जो उन्होंने मकान है रजिस्ट्री समेत है वो ना ढाया जाए।